कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आज कक्षा 12 वालों को मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट। केमिस्ट्री फर्स्ट में मैं आप लोगों को पहला चैप्टर चैप्टर 1 जिसे लोग पढ़ाएंगे ठोस अवस्था, क्या पढ़ाएंगे ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट जिसे हम ठोस अवस्था ठोस अवस्था ठोस अवस्था से मतलब है कि वस्तु ठोस है। वैसे देखें तो जीवन में हम रोज के जीवन में दैनिक जीवन में हम ठोस के संपर्क में रहते हैं, अधिक से अधिक हम ठोस के संपर्क में रहते हैं जैसे चाक, डस्टर या दीवार, ब्लैक बोर्ड, मेज, कुर्सी, ये सारे के सारे चीज जो हमारे यहाँ संपर्क में है आसपास हैं, मैक्सिमम अधिक से अधिक हम ठोस के ही संपर्क में रहते हैं। प्रायः देखें तो उनका उपयोग हम द्रव और गैसों की तुलना में अधिक करते हैं। जितना हम द्रव या गैस का उपयोग नहीं करते हैं उतना ठोस का उपयोग करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैक्सिमम वस्तुओं का जो उपयोग करते हैं उसमें मैक्सिमम चीज ठोस ही होता है। भिन्न भिन्न कार्य में, अलग अलग कार्य में या कार्य करने के लिए हमें अलग अलग गुणों वाले ठोसों की आवश्यकता होती है। जैसे अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही हमें चाक की आवश्यकता है। चाक क्या है? ठोस। ब्लैक बोर्ड है, यह भी क्या है? ठोस। डस्टर है, यह क्या है? ठोस। तो ऐसी लगभग बहुत चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो ठोस होती हैं, ठीक है? वे ठोस अवस्था में ही हमारे काम आता है। ये ऐसे वस्तु हैं जिनका हम बिना उपयोग किए अपना काम नहीं कर सकते हैं। ठोस जो होता है उनके गुण उन ठोसों के अभिकणों की प्रकृति और उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। मतलब ठोस जो होते हैं उनके बीच का कण कैसा है, उनके बीच आकर्षण बल कैसा निर्भर करता है, ठीक है? ठोस का आयतन आप देखेंगे, ठोस का आयतन और आकार भी, यह भी देखेंगे। इस प्रकार ठोस जो होता है उनके आयतन और आकृति दोनों देखेंगे तो निश्चित भी होता है। ठोस से मतलब यह है कि जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं ठोस के बारे में, उनके अवयवी जो हैं उनके गुण जो होते हैं प्राकृतिक गुण और कुछ गुण से भिन्न भी होते हैं। उनके मध्य अर्थात ठोसों के मध्य जो ठोस अवस्था होता है वस्तुओं का, तो उनके मध्य उनके जो गुण है कण है, ठीक है, एक आकर्षण बल होता है, उनमें सहसंबंध होता है, आपसी संबंध होता है, तब कहीं वह ठोस में बदलते रहते हैं। इसमें हम आपको पहले जो ठोस अवस्था है उसका सामान्य ठोस अवस्था का सामान्य लक्षण पढ़ाएंगे। पहला है ठोस अवस्था के
ए सामान्य अभिलक्षण कोष अवस्था के सामान्य अभिलक्षण अर्थात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब सामान्य, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण, इनके सामान्य लक्षण का हम अध्ययन करेंगे। सामान्य लक्षण में आप यह जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, कोई पदार्थ है, सभी पदार्थ वे सामान्यतः तीन भागों में पाया जाता है, तीन रूपों में पाया जाता है। जितना भी हम सामान्य यहाँ पदार्थ जो यूज करते हैं, पदार्थ मतलब ये संसार में जितने भी मटेरियल हैं सभी पदार्थ हैं। पदार्थ की परिभाषा आप पहले से जानते होंगे। यदि पदार्थ है, यहाँ एक बात आपको बता दें, पदार्थ पदार्थ, ठीक है, तो संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है जिसमें इसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है द्रव्यमान होता है और उसे हम महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसे सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होंगी? पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से हमें किसको जानना है, किसका कैरेक्टर पढ़ना है? ठोस का। ताप और दाब में की निश्चित परिस्थितियों में, ताप और दाब की निश्चित परिस्थिति हो तो इसमें देखेंगे किसी पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था अधिक स्थायी होगी, यह हमें देखना है। और यह दो विरोधी कारकों अंतर आणविक बलों और उसमें ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। क्या क्या?